हेलो गाइस, वेलकम टू हैकर सोसाइटी। बहुत दिनों से चैनल पे वीडियो आ नहीं रही थी, कुछ बिजी था मैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सर्च इंजन के बारे में बताने वाला था, जो कि आपको हेल्प कर सकता है डीप वेब पे चीज़ें सर्च करने में। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। उसके लिए आपको क्या कर लेना है, अपना जो टॉर ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। मैंने ये सब चीज़ें पहले से करके रखी हुई है, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा और मेरा भी। अगर आपने टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं किया और उसको ढंग से कस्टमाइज उसकी सेटिंग की नहीं हुई है, तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियोस बना रखी है, आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस सर्च इंजन के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि है AHMI। मैं नहीं जानता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ना एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, जैसे कि हैकिंग बुक्स हो गया, जैसे मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे हमें अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे उतना कुछ तो है नहीं जितना अपना क्लियर वेब पे मिल जाता है आपको, क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स जो है बहुत ही कम आते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा कोई एफर्ट्स डालता नहीं है वेबसाइट्स वगैरह बनाने में। लेकिन जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डाली जाती है, वो चीज़ किसी खजाने से कम नहीं है। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो साइट है डायरेक्टेड हो रही है, और यहाँ पे कुछ बुक्स दी गई हुई है, यहाँ से आप वो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड तो नहीं करने वाला अभी के लिए, बस मैं आपको दिखाना चाहता था एक कैसा दिखता वगैरह है। अगर हम दूसरे सर्च इंजन की तरफ बढ़ते हैं, तो यह है टॉर्च। इस सर्च इंजन पे आपको बहुत एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, वहाँ पे बस एडवर्टाइजमेंट ही है, जो काम की चीज़ है वो तो दिखती नहीं है। इसलिए मैं इसको उतना प्रेफर नहीं करता। यहाँ पे मैं अगर कुछ सर्च करता हूँ, जैसे सिक्योरिटी हो गया सपोज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। मेरे को बस एक ही वजह से पसंद नहीं है, बस एडवर्टाइजमेंट की वजह से। और ये जो एडवर्टाइजमेंट रहती है, ये थोड़ी अलग रहती है। आपने जो क्लियर वेब उस पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वहाँ पे किस किस शूज़ की ऐसे वैसे चीज़ों की दिखती है, वो कुछ नहीं लगता। लेकिन इसमें अलग ही है भाई, मैं क्या ही बोलूँ, अभी जाने दो, छोड़। तो इस पर आप अगर जाते हो किसी चीज़ पर, तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट भी मिलता है। ये हो गया एक, वाव, ये एक सही चीज़ है भाई, यहाँ पे आप खेल सकते हो। वैसे तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये एक सर्च इंजन अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आप खुद जाके इनको विजिट कीजिए और देखिए आपको क्या क्या चीज़ें सर्च करनी है वगैरह वगैरह। और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्च इंजन की तरफ, जो कि है ग्राम्स। आप ये देख सकते हैं कि ये जो सर्च इंजन है, थोड़ी सी सिमिलर है गूगल की तरह, और इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो नहीं है, इसलिए बढ़िया है और रिजल्ट भी अच्छा खासा देती है। लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट और ये जो अहमिया जो है इसके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, तो लगभग आपको 90% सेम मिलने वाले। जैसे अगर मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या डाला, हैकिंग बुक्स। अगर मैं यहाँ पे हैकिंग बुक्स डालता हूँ, तो आपको वही रिजल्ट मिलने वाले। तो मुझे नहीं लगता इन दोनों में कोई फ़र्क है, बस है फ़र्क तो नाम का ही फ़र्क है। ये देखो, 18 बुक्स, लिबरेटेड बुक्स एंड पेपर्स, इंडेक्स ऑफ बुक्स, डाइबियन बुक्स। तो यहाँ पे देखिए, 18 बुक्स, लिबरेटेड बुक्स एंड पेपर्स, इंडेक्स ऑफ बुक्स, वही चीज़ है। इसलिए इतना कुछ है नहीं इसमें खास बताने लायक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्च इंजिन की तरफ, जो कि है नॉट इविल, ये वाला। और इनमें आपको दो चॉइस दी जाती है कि आप URL से भी इनको सर्च कर सकते हैं या फिर कोई टाइटल से भी। वैसे ज़्यादा मैटर तो नहीं करता है, अगर आप ऑल पे कर दोगे तो ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि URL तो यहाँ पे अलग ही होती है भाई। ये देखो, आप यहीं पे देख लो कैसी URL है, इसको ये कौन याद करने वाला है। तो हम इसको टाइटल से ही कुछ तो सर्च करते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर मैं ह्यूमन सिक्योरिटी ये डालता हूँ, तो मुझे अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ सर्च करके दिखा सकता था यार, लेकिन ये YouTube जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हमें अलाउ नहीं करता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गाइस,
मैं आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप हमारा इंस्टाग्राम का एक पेज है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे रोज के रोज आपके काम की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इस सर्च इंजन के बारे में खास बस एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है, हमें कुछ काम का मिलता है क्या। तो ये एक हो गया हमारा सर्च इंजन है स्टॉक। अगर मुझसे आप पर्सनली पूछोगे कि इनमें से बढ़िया कौन सा है, तो मैं आपको डेफिनेटली है स्टॉक बेस्ट बोलूँगा। अगर यहाँ पे भी मैं वही चीज़ डालता हूँ ह्यूमन सिक्योरिटी, तो मुझे भी वही रिज़ल्ट मिलने वाले। तो इस साइट में तो एक अच्छा खासा इंटरफेस है और अच्छा खासा दिखाई देता है यार, मतलब कौन सी साइट है, क्या चीज़ है, और ऊपर से इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं है। और इसका एक प्रीमियम वर्जन भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो वही चीज़ दिखने वाली है जो हमें यहाँ पे दिखी थी। तो कोई मतलब नहीं है इसको ओपन करने का। और हाँ, अभी बढ़ते हैं लास्ट सर्च इंजन की तरफ। वेल, ये जो सर्च इंजन है क्लोज, ये एक बहुत बढ़िया मार्केट प्लेस है, अमेज़ॉन जैसा ही है। यहाँ पर आपको जो भी चाहिए सामान यहाँ पर वो डालना है, उसकी मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस और करेंसी जो है USD, यूरो वगैरह, और शिपिंग ओरिजिन और डिस्टिनेशन, ये चीज़ें डालने के बाद उसको आप अगर सर्च करते हैं तो ये आपको डार्क नेट के मार्केट से अच्छा खासा रिजल्ट ला के देगा। और पूरे जो भी डार्क नेट के मार्केट्स हैं, इलीगल लीगल जो भी है, अगर वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ पर सर्च में आपको दिखा देगा कि हाँ भाई ये है यहाँ पे अवेलेबल, आप यहाँ से वो चीज़ ख़रीद सकते हो। और अगर आपको यहाँ से कुछ ख़रीदना है तो उसके लिए आपको एक अकाउंट लगने वाला है, जो कि आप यहाँ से वो चीज़ बना सकते हैं अकाउंट। आगे की वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रस्टफुल ईमेल प्रोवाइडर्स, उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आपको आपकी जीमेल आईडी नहीं डालनी है, एकदम आपकी जो आइडेंटिटी है उसको एनोनिमस रखें जितना हो सके उतना। आपका रियल नेम नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर करने के लिए भी कुछ नहीं, बस एक यूज़र नेम लगता है और पासवर्ड लगता है। आप समझ रहे हो आपकी आइडेंटिटी कितनी एनोनिमस है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा कि ईमेल आईडी भी कहाँ से आपको मिल सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही है गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर गाइज आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर बिल्कुल आपको दूंगा। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है आपको सिखाने के लिए, बस थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, और अभी मैं फ्री हूँ तो वीडियो बहुत फास्ट आने वाली है, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।